दोस्तों, स्वागत है मेरी नई ब्लॉग में। और आज हम मार्केट जा रहे हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इसीलिए मैं इस समय रिंग रोड पर हूँ। और मुझे जोगी वाले में डॉक्टर के पास जाना है। पहले मैंने भी दिखाया भी था और कुछ टेस्ट हुए थे, उसकी रिपोर्ट्स लेने के लिए मैं जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस समय रोड पर, जोगी वाला चौक पर तो काफ़ी जाम लग जाता है कई बार। मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है इस समय और आसमान में बादल भी लगे हुए हैं और धूप भी निकली हुई है। काफ़ी सुहावना मौसम हो रखा है। आजकल बरसात का मौसम है तो कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आज काफ़ी सुहावना मौसम हो रखा है। मुझे अपनी रिपोर्ट्स लेनी थी, इसलिए मैं आज मार्केट आई हूँ। और अभी हम डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए। आजकल दुकानों में सारी जगह लाल लाल बोर्ड ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नगर निगम ने सभी जगह एक जैसे बोर्ड लगा दिए हैं। दुकानें सारी एक जैसी दिखाई देती हैं बोर्ड की वजह से। ये हम इस समय जोगी वाला चौक पर पहुंच चुके हैं। इस समय जोगी वाला चौक पर इतना जाम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमें डॉक्टर के लिए जाना है जोगी वाला चौक में से, और इसलिए हम यहाँ से मुड़ चुके हैं और हमें क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा दूसरी वाली रोड पर, क्योंकि ये हमें रेलवे फाटक वाली रोड में जाना है जोगी वाला चौक की। यहाँ पर भी काफी जाम दिखाई दे रहा है रोड पर। इधर से हमें क्रॉस करना है रोड को, तभी जाकर हम दूसरी रोड पर पहुंचेंगे, और यहीं से हमें सीधा जाकर आगे रेलवे फाटक वाली रोड पर मुड़ना है। ये हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर ये रेलवे फाटक भी है। इसी से थोड़ा आगे जाकर हॉस्पिटल पड़ता है, वहीं से मुझे रिपोर्ट लेनी है अपनी। आजकल राखी की दुकान भी लग चुकी है, क्योंकि राखी आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए दुकानें लगी हुई हैं काफ़ी जगह पर। पहुंचने वाले हैं डॉक्टर में। ये जागृति बिहार में पड़ता है, जहां में डॉक्टर लेडी डॉक्टर बैठती हैं यहाँ पर। ये हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा ही बाकी रह गया है। से अंदर जागृति विहार में ही जाना है। यहाँ पर नंदा नर्सिंग होम के नाम से यह हॉस्पिटल पड़ता है। अब हम अपनी हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं और यहीं से मुझे रिपोर्ट आदि लेनी है अपनी। चलिए, डॉक्टर को दिखा के हम आ चुके हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, और अब हम घर के लिए चलते हैं। मैं अपनी ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। धन्यवाद।